नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे बरसात का मौसम है, बारिश है और दोपहर के टाइम हम लोग का घर में सभी का मन हुआ आज खिचड़ी खाने का। तो देखिए, खिचड़ी बना रही हूँ, तो प्लीज़ बने रहे वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और खिचड़ी मैं जल्दी से बना रही हूँ, आप सभी रेडी हो जाइए खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं सिंपल कई ज़्यादा सब्जी उब्जी नहीं डाली हूँ। और यहाँ पे देखिए कुमड़ा, मतलब देखिए यहाँ पे मैं कुमड़ा, कद्दू भी बोलते हैं, तो मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे खिचड़ी भी, मतलब मेरा तड़का लगा दूंगी, अभी कढ़ाई में लगा दी हूँ और जल्दी से मैं सिंपल सा ही बनाई हूँ, क्योंकि मेरा ससुर जी है ना, उनका मतलब ज़्यादा मसाला एकदम बिल्कुल मतलब मना कर दिए डॉक्टर लोग, तो इसलिए हम सिंपल ही बना रहे हैं। और ऐसे सिंपल खाना बहुत ज़रूरी भी है, सबके लिए अच्छा भी होता है। और बारिश का मौसम है और दोपहर के टाइम आज अलग ही मज़ा है। देखिए, मेरा ससुर जी बैठी है और इनका तबीयत ठीक नहीं। गांव में रहता है, हम लोग का घर मतलब गांव में ही है, तो हम लोग तो शहर में रहते हैं। देखिए, हाय कर रही है आप लोग को। और इनका ना डॉक्टर दिखाया था, और दिखाने गए थे तो डॉक्टर ने बोले थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम आ गया। और आप सभी दुआ कीजिए ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। और दवाई चल रही है, अभी तो दवाई चलते ही रहेगी। और उनका खाना बहुत मतलब कि खाना मछली चिकन ये सब देने तो बिल्कुल नहीं पाएंगे, और इनको सादा सादा सिंपल सी खाना देना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए, इनके लिए, इनके ससुर जी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, उनका ही मन ज़्यादा हुआ। और बरसात का मौसम है तो इसलिए सबका चलिए खिचड़ी बनते हैं आज। और देखिए, खिचड़ी को मैं तड़का लगा रही हूँ, लगा भी दी हूँ, देख सकते हो, बहुत टेस्टी भी दिख रही है। और आप सभी आ जाइए खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ऐसा मन होता है कभी बरसात के टाइम खिचड़ी खाने का? हम लोग को तो हुए है, तो बनाई हूँ, देख सकते हो। और यहाँ पे ना कद्दू कुमड़ा भी बोलते हैं, मैं थोड़ा काट करके, मैं पीस पीस करके मैं उसको भून रही हूँ, खिचड़ी के साथ अच्छा लगेगी। और इसके साथ लो अचार, और कुमड़ा जो फ्राई की हूँ वो भी लो और खाओ गर्मा गर्मा खिचड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते सभी मिलके। और ले जा रही हूँ मेरे ससुर के लिए पहले, क्योंकि पानी है, तो बैठे हैं मेरे ससुर और उनका दवाई खाने का टाइम हो गया, इसलिए मैं जल्दी पहले उनको दे दूँगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और तो देख सकते हो, हाउस वाइफ होके क्या जिम्मेदारी करना पड़ता है, घर संभालने के क्या नहीं करना पड़ता, सभी कुछ ध्यान देना पड़ता है, सभी कुछ संभाल के ही करना पड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, रियू के लिए और मेरे लिए तैयारी कर रही हूँ खाने के लिए। भूख भी काफ़ी लगा है क्योंकि काफ़ी दोपहर भी हो गया। रियू मुझे पता था बट मैं वो नहीं खाती। बाहर का बरसात का मौसम है और घर में बना है खिचड़ी, आप सभी आ जाइए खिचड़ी खाने के लिए। रेडी हो चुके हैं मेरे खिचड़ी, आप सभी के लिए बनाई हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो में बहुत 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 जरा ज़्यादा प्यार जरूर दीजिए, क्योंकि मैं देख सकते हो ना क्या चल रही है मेरे घर में। वीडियो अच्छा अच्छा लेके आने के लिए बहुत सारा आशीर्वाद जरूर दीजिए, वो वीडियो लेके आते रहूंगी, सभी के साथ अच्छा अच्छा बात करूंगी और अच्छा अच्छा वीडियो लेके आते रहूंगी। अब देखिए किचन पूरा कैसे बिगड़ चुके हैं। अब एक मिनट में पूरा किचन मैं रेडी कर दूंगी, जमा दूंगी अच्छे से। कैसे जमा दूंगी, बने रहे अंत तक जरूर देखिए। और चलते हैं, खिचड़ी पहले खा लेते हैं, दोपहर का लंच है, दोपहर के टाइम खिचड़ी खा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले तो मैंने ससुर जी को दे दी हूँ, और खाते खाते मैं फिर से रियू के लिए और मेरे लिए तैयारी करके लेके आ चुकी हूँ और लगा दी हूँ खाना सबके लिए, और खा रही हूँ। काफ़ी भूख भी लगा है, फिर काम पे लगेंगे खाने के बाद। और यहाँ पे लोग का देखिए लोकेशन कैसे है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बरसात का मौसम है, एकदम बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है, हरा हरा कलर एकदम पौधा का, पेड़ का।
पूरा बिल्डिंग बिल्डिंग अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, देख सकते हो। और जल्दी से फटाक से गैस को क्लीन करूंगी। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखने से पूरा दिमाग घूम जाते हैं। हम लेडीज का ऐसे काम होते हैं, बस दिन भर यहाँ पे मैं दोपहर का खाना खाने के बाद भी लग गई हूँ यहाँ घर का साफ सुथरा करने। और जल्दी से मैं कर लूंगी एकदम किचन को अच्छे से जमा लूंगी, क्योंकि ऐसे बिगाड़ते हुए देखने से भी अच्छा नहीं लगता है। मैं पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी टाइम मिले तो आराम कर लूंगी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद भी टाइम नहीं मिला तो बैठने से लेट हो जाएगा, फिर काम मतलब शाम के काम भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं खाना खाने के बाद ही पहले किचन को जमाने के लिए लग गई हूँ। मैं अभी दोपहर का खाना बनाई हूँ और खा भी ली हूँ, खिचड़ी बनाए थे आज, बरसात का मौसम है तो अभी किचन को मैं जो डब्बा वगैरह बिगड़ चुके हैं और इधर उधर जो भी सामान बिगड़ चुके हैं पहले जमा लूँगी और उसके बाद मैं बर्तन को धो लूँगी। और देख सकते हो फ्रेंड्स, सब अच्छे से जमा रही हूँ मैं। और मेरा ऐसे साफ सुथरा ज़्यादा पसंद है और अच्छा मतलब सजा के रखना भी बहुत पसंद है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कितना बड़ा टॉप में बर्तन धोई हूँ और बर्तन को मैं अभी जमा लूँगी, क्योंकि बस दोपहर के टाइम थोड़ा काम का कम हो जाएगा ना, तो शाम के टाइम थोड़ा सा आराम मिलता है, फ्री लगता है काम पूरा हो जाने के बाद। तो इसलिए मैं अभी पूरा काम जमा रही हूँ, अच्छे से पूरा घर को क्लीन कर रही हूँ, किचन को। और देख सकते हो कितना जल्दी कितना खुशी के साथ सारा काम कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो खाना तो खाए 2 बजे, उसके बाद मतलब झाड़ू लगा रही हूँ, करीब 4 बजे टाइम है। और बस 4 बजे अगर झाड़ू लगा लूँगी तो बस सार लगाना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं झाड़ू एक साथ लगा ही लेती हूँ सोच रही हूँ। तो देख सकते हो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो वीडियो देखते देखते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छा अच्छा कमेंट जरूर कीजिए। और देखिए मैं झाड़ू लगा लूँगी, बस रूम तो काफ़ी बड़ा ही है तो झाड़ू पहले पूरा कर लेती हूँ। और तो देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और यहाँ पे देखिए जो लौकी का पौधा और जो मतलब कुमड़ा सब लगाए थे ना, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। फूल का पेड़ छोटा छोटा पौधा लगाई हूँ। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय टाटा।